यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खन्ना छरगल में पढ़ती हूँ। मैं आज आपको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी स्थान देने पर अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूँ। सभी जानते हैं यूएनएससी में कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें 10 अस्थायी हैं और 5 अस्थायी हैं सदस्य हैं जो सोचने और विचार हमारा स्थायी सदस्यों में अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन हमारा भारत अस्थायी सदस्य है जो सोचने और विचार करने वाली बात है। यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए भारत के पास है। भारत भी बाकी स्थायी सदस्यों की तरह परमाणु संपन्न देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, विश्व का कल्याण चाहने वाला देश है। भारत शुरू से यूएनओ के रूल्स एंड रिलेशंस को निकलने के लिए है। पूरी दुनिया में भारत का प्रभाव है। छोटे देशों में विकसित बनाने में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। अपनी सुरक्षा पर रुके करने वाला भारत का तीसरा बड़ा देश है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा व्यापक भागीदारी वाला देश भी है। भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एक खास बात और ये है कि भारत यूएनओ की सेना में सबसे ज्यादा सैनिक भेजने वाला देश भी है। अंत भारत के यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनाने का पूरा दावेदार है, पर कुछ एक देश ऐसे ही हैं जैसे पाकिस्तान और चीन जो बार बार भारत के परमानेंट मेंबर बनने को रास्ते में रुकावट बन जाती है। धन्यवाद।